नमस्कार, जेडीएस किचन चैनल में आप सभी स्नेहीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। देवियों और सज्जनों, आज हम गेहूं के आटे से बनने वाला खस्ता, कुरकुरा और मीठा नाश्ता बनाएंगे। आज हम राजस्थान की मशहूर मीठी और मोटी खोबा पूरी बनाएंगे। देसी घी और गुड़ से नए अंदाज में खोबा पूरी बनाकर सफर में ले जाएंगे तो सब आपके ही गुण गाएंगे। शक्ति से भरपूर खोबा पूरी बनाने के लिए 100 ग्राम गुड़ को हमने आधा कप गर्म पानी में डालकर साइड में रख दिया है। हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे, करीब 250 ग्राम गेहूं का आटा लेंगे। इसमें हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मीठे पकवान का स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे। 1/4 कप देसी घी को पिघलाकर डालेंगे। आप चाहो तो कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हो। देसी घी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। हमारे आटे का टेक्सचर भुरभुरा सा हो जाएगा। इसे कहते हैं मुट्ठी भर मोइन डालना। गुड़ के पानी को छानकर डालेंगे, मगर एक साथ में नहीं डालेंगे। हमारा डो टाइट होना चाहिए। अगर आपका आटा नरम है तो पूरी भी नरम ही बनेगी, खस्ता नहीं बनेगी। और गुड़ का पानी डालकर टाइट आटा लगा लेंगे। हमारे आटे का टेक्सचर कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। अब इस आटे को कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 15 मिनट के बाद इस आटे को अच्छी तरह से मस लेंगे। अब इस आटे की हम मोटी मोटी रोटी बेलेंगे। बीच बीच में रोटी की किनारी को हम हाथों से ठीक करते जाएंगे। हमारी मोटी सी मीठी रोटी बेलकर तैयार है। हमारी खोबा पूरी या खोबा पूरी फूलनी नहीं चाहिए, इसीलिए इस कांटे की मदद से छेद कर लेंगे। छेद करने के बाद रोटी को पलट लेंगे और अपनी उंगलियों की मदद से इस तरह से चिमटा काटकर डिजाइन बनाएंगे, जो राजस्थानी खोबा रोटी की पहचान है। हमारी खोबा रोटी तैयार है। अब हम कुकी कटर की मदद से गोल गोल शेप की पूरियां काट लेंगे। इस तरह से हम सारी मीठी पूरी तैयार कर लेंगे। इस खोबा पूरी को आप चाहो तो पतला भी रख सकते हो। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। मध्यम आंच पर हम इस पूरी को डीप फ्राई करेंगे। आप चाहो तो इस पूरी को सेलो फ्राई करें या फिर इसे बेक भी कर सकते हो। हमारी खोबा पूरी गई तेल में। इस मीठे और खस्ता नाश्ते को हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक तलेंगे, बीच बीच में पलटते रहेंगे। हल्का सा कलर आने की शुरुआत हो चुकी है। इस पूरी को तलने में 10 से 12 मिनट लगेंगे। अगर आपकी पूरी पतली है तो समय थोड़ा कम लगेगा। देवियों और सज्जनों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरी नई रेसिपी की जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। आपके हर सफर का हम सफर मीठी खोबा पूरी तैयार है। ये बाहर से खस्ता है, कुरकुरी है, मजेदार है, बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर। और टेक्सचर देखिए, लाजवाब है। इसी तरह से हम सारी पूरी को डीप फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, आप भी इस गुड़ और देसी घी से बनने वाली खोबा पूरी को जरूर बनाएं और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।